जब भी आपने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले आपको सिखाया गया होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीख रहे हैं या आपने नहीं सीखा है तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा तो कभी भी आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कितने काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं 4 काइंड्स के, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से काइंड का है? तो सबसे पहले आज ये हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हर काइंड। तो जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट, जिसमें आप किसी से अपनी कोई बात कह रहे हैं, लाइक कि आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और इनके एंड में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस जो होते हैं, सेकेंड काइंड जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, जहां पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड्स का यूज भी किया जाता है इंटरोगेटिव के लिए, और हम हेल्पिंग वर्ब्स का, जैसे कैन, डिड, वाज, वर, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, इसका मतलब भी होता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इन सेंटेंसेस के एंड में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। अब थर्ड है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जहां पे हम कोई कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के एंड में आता है फुल स्टॉप। लास्ट हमारा काइंड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जब हम किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की, सडन इमोशंस की, जब हम शॉक्ड होते हैं, उसकी बात करते हैं सेंटेंस में, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एंड में एक्सक्लेमेशन का जो ये साइन होता है ये आता है। तो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर है कि कौन से सेंटेंस कौन से होते हैं, उनके काइंड्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं अब आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस है गो टू दी बालकनी। गो टू दी बालकनी, बालकनी में जाओ, ये एक ऑर्डर है। तो ऑर्डर है, कमांड है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव। ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड है वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? क्वेश्चन मार्क भी है सेंटेंस के एंड में, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटरोगेटिव। ये हुआ इंटरोगेटिव। थर्ड सेंटेंस है दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई ऑर्डर है, और ना ही कोई सडन इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट है इसका मतलब। तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटिफुल डे इट इज, वी आर सरप्राइज्ड, वी मतलब हमारे सडन फीलिंग्स आई हैं, इमोशंस आए हैं, और एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज भी हुआ है। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस इज एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है सेट द टेबल, टेबल सेट कर दो। अब ये फिर से एक ऑर्डर है, और जब ऑर्डर है तो इसका मतलब ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस है ये हमारा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई WH फैमिली या फिर हाउ का वर्ड नहीं है, बट एक हेल्पिंग वर्ब है कैन। लेकिन जब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्टिंग में हो तो वो भी कौन सा सेंटेंस होता है? इंटरोगेटिव। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है स्टार्टिंग में, तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंसेस हैव यू लॉस्ट योर माइंड. तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि बिगिनिंग में क्या है हेल्पिंग वर्ब और एंड में क्या है क्वेश्चन मार्क. तो जब एंड में क्वेश्चन मार्क है और स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो. तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव. कौन सा काइंड है? इंटरोगेटिव. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट रबिश इज दिस. यहां पे हम शॉक्ड हैं. कौन सा साइन है यहां पर? एक्सक्लेमेशन का. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी. नेक्स्ट सेंटेंस है कट द केक. यहां पे कमांड दी जा रही है कट द केक. तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है दिस प्लेस इज वेरी क्लीन. ये जगह बहुत साफ है. हम एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं. ये एक स्टेटमेंट है. तो ये हुआ स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है द शी इज. वो वहां है. तो यहां पर भी हम अपने सडन स्ट्रॉन्ग और फीलिंग्स और इमोशन शो कर रहे हैं, फिर एकदम से शॉक्ड होके बता रहे हैं कि द शी इज, वो वहां है. और यहां पे एक्सक्लेमेशन का यूज हुआ है. ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लास्ट है ही इज आउट फॉर सम वर्क. वो बाहर है कुछ काम से. तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल बात बोली जा रही है. ना ही हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना ही हम कमांड दे रहे हैं. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? डिक्लेरेटिव. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि कौन से सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव, कौन से इंटरोगेटिव, कौन से इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग विद इंग्लिश जीनियस. थैंक यू. बाय बाय.